गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सर? सब बढ़िया। आज का मैथ्स क्लास तुम लोगों का आज से ऑनलाइन होने वाला है। इसका न्यूज तो तुम लोगों को सबको पता चल गया होगा। राजेश सर ने यूट्यूब के थ्रू भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि उन्होंने बोला था कि फॉर सम टाइम वी विल डू आवर क्लासेस ऑनलाइन बिकॉज ऑफ द राइजिंग केसेस एंड द करेंट पैंडमिक सिचुएशन। इस सिचुएशन की वजह से हम लोगों को अभी कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑनलाइन क्लास हो रहा है उसमें भी हम लोग एकदम नंबर वन समझें, एक नंबर का समझें हम लोग पूरा। किसी को कुछ डाउट नहीं रह जाना चाहिए, किसी को कुछ क्वेश्चन मन में नहीं आना चाहिए कि सर ये वाला प्रॉब्लम कैसे हुआ। अच्छे से समझ जाओ, कुछ डाउट्स होगा तो हम लोग तुमको उसको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू डाउट्स भी क्लियर करेंगे। फिर भी कुछ डाउट्स हो जाए तो डोंट हेजिटेट टू कॉल अस, वी आर एवरी टाइम फॉर यू ओनली। हमेशा हमको कॉल करो। तो ऐसे हम लोग कुछ दिनों के लिए हम लोग का क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो तुम लोगों का ऑलरेडी जब हम क्लास में पढ़ रहे थे लेसन नंबर वन, हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था, ठीक है ना? ऑलमोस्ट क्या, पूरा कंप्लीट हो गया था, ओनली दो तीन क्वेश्चन बाकी रह गए थे। आज उन सभी को मिलाकर, सब कुछ मिलाकर हम कुछ 10-12 प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सब लोग ध्यान से देखो, क्लास को कोई भी मिस मत करो। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई, ठीक है? सिंप्लीफाई का फर्स्ट क्वेश्चन, सब लोग अपने नोटबुक्स, पेन, पेंसिल जो भी है, जो भी चाहिए होगा वो सब रेडी रखो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x7, सबको बोर्ड क्लियरली विजिबल है, मैंने कैमरा को 2 बार चेक किया हुआ है, प्लस 9x14 माइनस 2x3। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, 3x7 प्लस 9x14 माइनस 2x3। तो मैंने बोला था क्लास में कि फ्रैक्शन नंबर ने जब भी हम लोग प्लस या माइनस ऐसे कुछ करेंगे, हमारा फर्स्ट काम क्या है ना, डिनोमिनेटर्स को अच्छी तरह से देखना, वो सेम है या नहीं। इसका मतलब अगर सेम होगा तो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर पाएंगे, अगर सेम नहीं होगा तो उसका एलसीएम निकालने के बाद ऐड करेंगे। इसमें देखो 7, 14 और 3, ये तीनों है हमारे डिनोमिनेटर्स, ये सेम नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग को इसका निकालना पड़ेगा एलसीएम। ओके, निकालो 7 1 7, 7 2 14, 3 डिविजिबल नहीं है तो 3 को 3 रख लेते, फिर 2 1 को 1, 2 1 2, 3 को 3, 3 1 3, ठीक है? तो हमारा इसमें जो एलसीएम आ गया वो क्या है, 7 × 2 × 3, यानी कि 7 2 14, 14 3 42, कितना आ गया बेटा एलसीएम मेरा, 42। अभी हम लोगों को क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर्स गिवन है हम लोगों को उसको हमें चेंज करना है, किसमें, 42 में चेंज करना है। तो मैंने क्या बोला था, पहले 3x7 को ऐसे लिख सकते हैं, 3x7, 7 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से आएगा 42, तुम लोगों को सोचना पड़ेगा। टेबल्स अगर जल्द जल्दी याद करोगे तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं हो रहा है तो यहां पे देख लो, यहां कितना है 7, 7 को छोड़ कर देख लो तो और कितने नंबर से और क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और 3, 2 3 जा कितना बेटा 6 ना, तो 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आएगा 42। अगर नीचे हम लोग 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर भी हमको 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस यहां पे देखो 9x14 है, 14 को भी वैसा ही कितना मल्टीप्लाई करने से आएगा हमारा आंसर 42, वो देखना पड़ेगा। तो यहां पे देख लो 7 = 14, तो
तो इसको ऐसे कर लो, बाकी क्या रहेगा, 3 रह गया ना, तो ऑब्वियसली 14 में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, समझ आ रहा है। तो ऊपर भी 9 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2/3 है। अभी फिर से देखो, 3 में कितना मल्टीप्लाई करने से आएगा 42, यानी कि 3 को छुपा के बाकी दोनों देख लो, 7 में जाके कितना 14 ना, इधर भी 14, इधर भी 14 मल्टीप्लाई करो। अभी 18 को सॉल्व करें, 3 6 18/42 प्लस 9 3 27/42 माइनस 2 × 14 28/42। अभी जब हमारा तीनों का डिनोमिनेटर एक हो गया, मैं तीनों को एक साथ ऐसे लिख सकता हूं, तीनों का डिनोमिनेटर 42 है, 42 लिख दिया, ऊपर का जो ऑपरेशन है उसके साथ कर लो, 18 + 27 − 28, आंसर कितना आएगा, 18 + 27 मतलब आता है 45, माइनस 28 और भी है बाय 42, देन योर फाइनल आंसर विल बी 27/42। देखा बहुत इजी है ना, हम लोगों ने क्या हुआ है, ये थोड़े मैंने निकाले हैं बुक से और कुछ क्वेश्चन बाहर से जो कि इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं ये सब चीजें आज तुम लोगों को करा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट मैं मिटा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सुन लो, जो जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया है, मैं मिटाते वक्त अगर तुम लोगों का खत्म नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, अरे भाई वीडियो तो YouTube पे अपलोड हो रहा है, तुम लोग क्या करोगे, उसको आराम से पॉज कर लो, फिर लिख लो, दोबारा से प्ले कर लो, ये एक बढ़िया है। नहीं, जूम क्लासेस से तो यूट्यूब क्लासेस काफी बेहतर है, मुझे लगता है जूम में तुम लोग वापस से पॉज पे नहीं कर पाओगे अनलेस उसको रिकॉर्ड किए होगे, उसमें अलग से एक स्टोरेज का मसला रहता है, लेकिन इसमें हम लोग आराम से पॉज और प्ले कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन, 3/7 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है ना, 2/9 × 7/6, दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ टुडे, ये आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। हाँ, बहुत बड़ा, क्लियरली विजिबल है, कोई बात नहीं। तो देखो, मैंने बोला था अगर ब्रैकेट दिया होगा, हमारा फर्स्ट काम क्या है, जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर है उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। देखो यहां पे तुम 3/7 को 3/7 जैसे को वैसा ही लिख लेना है, फिर डिवाइड को डिवाइड, अभी हम लोगों को करना है क्या, मल्टीप्लीकेशन। देखो मल्टीप्लीकेशन के लिए पहले उसको कट करना पड़ेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ऊपर क्या रहेगा 1 × 7, तो आंसर आ जाएगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन से चलेगा क्योंकि अभी एक हो जाएगा, 1 × 7 = 7/9 × 3 = 27, ठीक है ना। देखो कुछ इस तरह का आ रहा है, 3/7 / 7/27। अभी देखो तुमको तो ये बात अभी पता ही होगी कि डिवाइड को हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके बाद जो नंबर होता है वो रेसिप्रोकल बन जाता है, यानी कि 7/27 अब बन जाएगा 27/7, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 × 27 = 21, 2 = 6 = 8, 81/49। अभी इसको तुम लोग मिक्स फ्रैक्शन में करो ना करो वो तुम्हारे ऊपर है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, देखा बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसा नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट भी आने वाला है, सो बी रेडी फॉर दैट। सब कुछ इजी हो जाएगा तो चलेगा ना, अभी चलेगा नहीं। ठीक है, जो स्पीड से नहीं लिख पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम आराम से समझ समझ के लिखो, उसके बाद एक एक को सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए थे वो मैंने आज निकाल के तुम लोगों के लिए सॉल्व करना होगी। ठीक है, देख लो थर्ड क्वेश्चन,
9 by 11 into 5 by 7 plus 17. This is your third question for today. ये आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है. देखो पहले बात मैंने क्या बोला, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स है उनको पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा. ओके तो पहले ब्रैकेट का अंदर वाला सॉल्व करेंगे. इनटू 5 बाई 7 को मैंने लिख लिया 5 बाई 7 प्लस यहां पर कितना है 17 है, मैं उसको 17 बाई 1 लिख सकता हूं बेटा. ध्यान से देखो नेक्स्ट मैंने क्या बोला, अगर मेरा पहला ब्रैकेट के अंदर मुझे सॉल्व करना है ना, इसका डिनोमिनेटर देखो अलग अलग है कि नहीं. अगर अलग अलग है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा. 7 और 1 बोलने की जरूरत नहीं, दोनों कैल्शियम आएगा 7. तो 9 बाई 11 इंटू 7 में 1 मल्टीप्लाई करने से 7 आएगा, तो ऊपर भी 5 इंटू 1 कर लो. प्लस सेकंड में क्या था, 17 बाई 1 था ना, नीचे 1 में 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई कर लो. कुछ इस प्रकार का आएगा 9 बाई 11 इंटू 5 बाई 7 प्लस 119 बाई 7. अभी क्या करना है मुझे, इन दोनों को नॉर्मली ऐड कर दूंगा, मतलब न्यूमरेटर को ऐड कर दूंगा, डिनोमिनेटर को जैसे है वैसा रख लूंगा. क्या था ये 9 बाई 11 मेरा था ऑलरेडी, इनटू 119 प्लस 5 तो कितना आ रहा है 124 बाय 7. ठीक है ऐसा रहेगा ना, फिर मल्टीप्लाई कर दो 11 इंटू 7 डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, 11 इंटू 7 आंसर आएगा 77, 124 इंटू 9 करते हैं. चलो 4 9 जा 36 रह गया 3, 2 9 जा 18 प्लस 3 21, 2 रह गया 1 9 जा 9 टू 11. दिस इज योर फाइनल आंसर. अभी इसको तुम लोग मिक्स फ्रैक्शन में करो या फिर ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हारा फाइनल आंसर है 1116 बाई 77. ओके दिस इज योर फाइनल आंसर. जल्दी इसको कंप्लीट करो, हम लोग नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करेंगे. इजी लग रहा है ना, बहुत इजी है, कोई बात नहीं, आराम से सॉल्व करते 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 इसको कंप्लीट कर देना है. ओके सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलो सिंप्लीफाई का हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए. अभी हमको क्या करना है पता है ना, याद करो क्लास में हम लोगों ने कंपेयर कुछ क्वेश्चन किए थे, कंपेयर बिटवीन द फॉलोइंग, मतलब ग्रेटर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है, उस सबको. तो ये वाला भी उसी तरह का ही है. हम लोगों को कंपेयर करना है, मतलब बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, उन दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके तो देखो ये आज का फोर्थ क्वेश्चन है. माइनस 2/3 कॉमा माइनस 7/11 माइनस 2/3 एंड माइनस 7/11 मैंने क्या बोला था, कंपेयर करने के लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला था कि नहीं, याद करो क्लास में. बहुत इजी टॉपिक है. देखो माइनस 2/3 को मैंने जैसा का वैसा लिख लिया, माइनस 7/11 को भी आई रोट एज इट वॉज रिटन, जैसे लिखा था वैसे लिख दिया. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11 जाएगा माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह से 3 भी जाएगा माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा. हमको सीक्वेंस में लिखना है बेटा, ध्यान से देखो
सीक्वेंशियली ही लिखना है, 11 आ रहा है टू माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इधर से इधर, तो माइनस टू यहां पे था, मल्टीप्लाई क्या हो गया 11 हो गया। उसके बाद अंदर एक बॉक्स जैसा डाल दो जिसमें कि हम लोग अपना सिंबल डालने वाले हैं, यहां पे कितना था माइनस सेवन था, कितना जाके मल्टीप्लाई हुआ 3 जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस टू इंटू 11 आंसर आ रहा है माइनस 22, बॉक्स डाल दो, माइनस 7 इंटू 3 7 3 जाए 21, आगे माइनस है तो माइनस 21, यहां पर भी वैसे 2 इंटू 11 11 2 जाए 22, आगे माइनस है तो माइनस डाल दो। नेगेटिव नंबर में हम लोगों ने क्या बोला है, हमको पता भी है ना, जो नंबर नेगेटिव का बड़ा होता है नेगेटिव साइन के साथ वो एक्चुअली में छोटा होता है। माइनस 22 और माइनस 21 में से देखो दोनों नेगेटिव में है, लेकिन ये वाला तुमको बड़ा दिख रहा है ना माइनस 22, तो ये एक्चुअली हमारा छोटा होगा, यानी कि माइनस 21 विल बी द ग्रेटर नंबर। इतना करने से काम नहीं बनने वाला है बच्चा, इतना करने से काम नहीं बनने वाला, तुमको क्या करना है देखो, कंपेयर किया था इन दोनों के बीच में, तो माइनस 21 जो आया वो देखो तो कहां से आ रहा है, ये सेकेंड वाले से, यानी कि तुमको उसका ओरिजिनल फ्रैक्शनल फॉर्म जो भी था वो लिखना पड़ेगा, माइनस 2/3 को इस साइड, क्योंकि वो इसी साइड में था, माइनस 7/11 को इधर लिख दो क्योंकि वो इसी साइड में था, सिंबल कौन सा आ रहा है माइनस 7/11 बड़ा आ रहा है ना, तो उसको तुमको बड़ा वाले का सिंबल दे देना है। समझ रहे हो सब लोग, देख रहे हो ना बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इसी तरह से ही एक 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 सॉल्व करते करते हमको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, जिन जिन्होंने नहीं लिखा है अभी तक, काइंडली पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आज का फिफ्थ क्वेश्चन उसी कंपैरिजन का है, 2/8 and 1/6। कुछ कुछ बच्चे मुझ पर अभी हंस रहे होंगे, क्या सर पहले डिफिकल्ट दे देते हो फिर इजी दे देते हो, नेगेटिव वाला तो थोड़ा डिफिकल्ट है, ये वाला तो बहुत ही इजी है, आप पहले डिफिकल्ट दे रहे हो पहले इजी दे रहे हो, वैसे चलेगा क्या, अब नहीं चलेगा तो नहीं, और भाई मैं क्या कर सकता हूँ बोलो, मेरा काम मैं आगे कर रहा हूँ, वैसे तुम लोग भी अपना काम कर लो, बैठ के पढ़ लो। पहला हमारा ड्यूटी क्या है, 8 जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह से 6 भी आएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या रहेगा, अभी जो स्टेप करना है वो सबको अच्छे से करना, यही पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होकर गलत कर लेते हैं, 6 आ रहा है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 into 6, बॉक्स एक दे दो क्योंकि इस पे हमको प्लस साइन डालना है, 8 जा रहा है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 into 1, ओके। नेक्स्ट 2 6 जा 12, 8 1 जा 8, कौन सा बड़ा नंबर है, 12 बड़ा नंबर है तो 12 इज ग्रेटर देन 8, ऐसे लिखा जाता है, समझ रहे हो। फिर अगर ये वाला कंप्लीट हो गया, मैंने क्या बोला स्टेप को देखना पड़ेगा, 12 देखो हमारे लेफ्ट साइड में कौन सा फ्रैक्शन था, 2/8 था ना, तो इज इक्वल टू इधर 2/8 पहले लिख दो, फिर जैसे हमने बॉक्स बनाया था वैसे बॉक्स बना दो, वैसे 8 देखो ये सीधा देखो राइट साइड वाले में जा रहा है, यानी कि 1/6 में जा रहा है, तो यहाँ पे 1/6 लिख लो, कौन सा बड़ा है यार, 12 बड़ा है ना, इसको एक ऐसा एक सिंबल दे दो, ग्रेटर देन सिंबल, खत्म बेटा जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी करो जल्दी बना दो। फिर नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, हम लोग मिटा रहा हूं, जिन जिन्होंने नहीं किया बोलने की जरूरत नहीं है क्या करने वाले हो क्या नहीं, ठीक है ना, तुम लोग को पता ही है मुझसे बेटर टेक्नोलॉजी के बारे में बात तुम लोग जानते हो, मोबाइल का यूजर्स हमसे अच्छे जानने लगे हो आजकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स,
Our next topic for question is find the value of x. Question दिया है कुछ इस प्रकार का, sixth question. 2/11 is equal to x by minus 20. बाप रे, माइनस आ गया तो डर गए, कुछ डरने की बात नहीं है. देखो अरे भाई, सेम वही किसी पीटी चीज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इन दोनों को, ठीक है. यहाँ पे क्या था हमारा, रे 2 था, 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा जाके, माइनस 22 मल्टीप्लाई होगा, देख रहे हो ना, 2 के साथ जाके माइनस 22 मल्टीप्लाई होगा. इज इक्वल टू को इज इक्वल टू लिख दो. अभी देखो 11 जाके किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे लिखना है तुमको 11 इनटू x. समझ में आ रहा है, बहुत इजी है. देख लो यहां पे लिखना है 11 इनटू x, फिर मल्टीप्लाई कर दो. पहले 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 इनटू 22 आएगा 44, बट यहां पे देख रहे हो ना एक माइनस सिंबल है, तो यहां पे लिख दो माइनस 44 इज इक्वल टू 11 इनटू x. उसको जैसे तैसा लिख दो. मुझे किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओनली x का. तो 11 को ध्यान से देखो, ये जो 11 है, ये जो 11 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, बोलो. 11 हमारा x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब हम लोग उसको इस तरफ लाएंगे, यानी कि इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे. मैंने क्या बोला था, अगर मल्टीप्लाई है, अगर इस तरफ आएगा तो वो बन जाएगा डिवाइड. इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर 11 आ गया तो x को उसमें अकेला छोड़ दे, x अकेला रहेगा यहाँ पर. 11 वन जा 11, 11 फोर जा 44, बट आगे एक माइनस सिंबल दिख रहा है ना सबको, इसीलिए माइनस 4 लिखा जाएगा इज इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू आ गया माइनस 4. तुम बोलोगे सर माइनस 4 इक्वल टू x कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको सीधा करके लिख देते हैं, लिख बेटा जो तेरा मर्जी लिख, x इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है. मैं बोलूंगा जो तेरा मर्जी लिख, तो तू अपने आप से मुझे एक आंसर बना देगा, घर में जाके बोलेगा कि सर बोले जो मर्जी है वो लिख लो बोल के, तो मेरा तो भाई काम खत्म यहाँ पे. समझ रहा है ना, जो मर्जी लिख उसका मतलब होता है अच्छे से लिखो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी कर दो. मिटा रहा हूं, पॉज करके लिख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ वन. एक्स बाई 14 इज इक्वल टू 15/9, ठीक है. एक्स बाई 14 इक्वल टू 15/9. फर्स्ट ड्यूटी है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है. पहला काम है तुम लोगों का क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना. जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, हमको दिख रहा है कि यहां पे था हमारा x, ठीक है. x के साथ कौन जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 यहां पे आ रहा है मल्टीप्लीकेशन होने के लिए, तो मैंने लिख दिया x into 9, ओके. इक्वल टू को इक्वल टू दे दिया था हमको. यहां पे हमारा कितना नंबर था, 15, उसके साथ कौन जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, 14, तो यहां पे मैंने लिख दिया 15 into 14. अभी देखो x into 9 को मैं उसी तरह से x into 9 बोल के लिख रहा हूं. पहले हमको इसका काम तमाम करना पड़ेगा, 15 into 14 मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 2 4 जा 4 टू 6 0 0 को 0, यानी कि x का वैल्यू इस बार आ रहा है 70/3. कितना आ रहा है बेटा,
70/3। ओके जल्दी इसको लिखो और एक एक्स्ट्रा करेंगे, फिर असेंडिंग डिसेंडिंग वाला करेंगे कुछ। ज्यादा बाहर मत घूमना, सबको एडवाइस दे रहा हूं, घर में ज्यादातर रहना, मास्क पहनकर जाना अगर कहीं जरूरी पड़े, अर्जेंट हो ही तो ही जाना, वरना खाली में मत जाना, ठीक है। अभी कुछ दिनों के लिए बाहर घूमना बंद कर दो टोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का 8th क्वेश्चन। -2/x = 8/11, ठीक है। ओके पहला काम क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -2 यहां पे है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 11 = वहां पे भी x जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ, ठीक है। देखिए -2 × 11 यानी कि 2 × 11, 11 टू से कितना बड़ा 22, बट आगे एक हमारा माइनस साइन है इसलिए मैं लिख रहा हूं -22 = 8 × x यहां पर है। 8 जो है ध्यान से देखो, यहां पे x के साथ मल्टीप्लाई होके है, तो मैं क्या करूंगा, उसको इस तरफ ले जाऊंगा ना, तो कितना आएगा -22/8 हो जाएगा = x। काट लो इसको, 2 × 4 = 8 × 11 कितना रहेगा रे, -11/4 = x। हाँ पता है मुझे, अभी तुम लोग अभी सेम डायलॉग मारने वाले हो, सर -11/4 = x ना लिखे, हम लोग x = -11/4 नहीं लिख सकते, लिखना मैंने बार बार बोला, तेरा जैसा मर्जी वैसा लिख। देख मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ फिर भी तुम लोगों का डायलॉग मुझे सुनाई दे रहा है, फ्यूचर की बातें मैं सुन रहा हूँ। -11/4, ठीक है कंप्लीटेड। जल्दी इसको लिखो, फिर असेंडिंग डिसेंडिंग का एक एक क्वेश्चन कर देना है तुम लोगों के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 9। राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन है 3/7 4/7 9/11 2/3। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटा नंबर से उसको बड़ा नंबर लिखना है सीरियसली। पहला असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए भी हम लोगों को तुम्हें याद रखना पड़ेगा, हमको उसका डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर तो इक्वल नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा, कैसे, एलसीएम निकाल दो, जो जो डिनोमिनेटर है उन सबका एक साथ निकाल दो एलसीएम। 7 × 7 × 7 × 11 × 3 × 3 × 1 × 1 × 1 × 1 × 3 × 3 × 1 × 1 × 1 × 1 तो एलसीएम आ गया तुम लोग का 7 × 11 × 3 यानी कि 7 × 11 = 77 × 3 × 7 = 21 × 2 = 21 × 23 = 231, ठीक है।
231 आ गया हमारा एलसीएम। तो एक को करते हैं, इधर था 3/7, 7 में कितना मल्टीप्लाई करना है, देखो तो 7 यहां पे था ना, ऊपर 3 था ना, 3/7 को मैंने 3/7 लिख लिया, 7 को कितना मल्टीप्लाई करने से आएगा 231 निकालने के लिए, इधर चलो 7 को थोड़ी देर के लिए इधर ऐसे रख लो, बाकी क्या आ रहेगा 11 × 3 यानी कि 33, यहां पे लिख दो 33, ऊपर भी लिख दो 33, वैसे ही और एक फार्मूला यहां पे 4/7 7 में हमने कितना मल्टीप्लाई किया 33, तो ऊपर भी 33 मल्टीप्लाई कर दो। ओके नेक्स्ट नंबर था 9/11 में कितना मल्टीप्लाई करने से आएगा 231 आना चाहिए। देखो तो 11 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बाकी कितना रह गया, एक 7 रह गया, एक 3 रह गया, ठीक है ना, 11 को भूल जाओ, तो 7 3 कितना 21, इधर 21 इधर 21, अभी वैसा ही 3 में कितना मल्टीप्लाई करने से आएगा 2/3 लिख दिया, ठीक है, तो 3 का थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, रह गया 7 × 11 यानी कि 77, इधर भी 77 लिख दो, एक एक नंबर को ध्यान से लिखो, 3 × 33 यानी 99/231, 4 × 33 अभी क्या करना है, छोटे से बड़े को उसमें लिखना है, पहला देखो 99/231, ठीक है, फिर मैंने बोला था 132/231, फिर आ रहा है हमारा 154/231, नेक्स्ट आ रहा है 189/231। ओके इस तरह से चार आए ना, मैंने क्या बोला था याद करो, तुमको ऐसा सिंबल देना पड़ेगा, क्यों, ये सबसे बड़ा है उसके नीचे ही है, यानी 189 इससे बड़ा होगा ना, असेंडिंग ऑर्डर में ये सिंबल देना पड़ेगा, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और एक स्टेप बाकी है, कौन सा, उसका ओरिजिनल नंबर निकालना। 99/231 देखो तो वो था 3/7, ये सबसे छोटा नंबर है, वो किससे छोटा है, 132/31 यानी कि 4/7 से छोटा है, उसके बाद कौन सा था हमारा 154 यानी कि वो था 2/3 का, सबसे आखिर में था 9/11, ठीक है, ऐसे तुम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर हो या चाहे हो डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर हो या चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, इसी टाइप का बनाना पड़ेगा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद किसी को, वो आराम से इसको लिख लो, एक 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आराम से इसको कंप्लीट कर लो, बहुत इजी है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, बुक में इससे इसके तरह और 2-3 क्वेश्चंस होंगे, हैं होंगे नहीं हैं, इसको करके लाना है तुमको, मैं होमवर्क भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आज के लिए बस इतना ही, क्लास कैसा लगा कमेंट करके तुम लोग भेज सकते हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहें, क्लास कैसा लगा, इसको हम क्या और बेहतर बना सकते हैं, कुछ एडवाइस देनी हो तो दे सकते हो, वी विल टेक इट ग्रांटेड बहुत ही अच्छे तरीके से, उसके बाद जैसा कि मैंने सबको रिक्वेस्ट किया हुआ है, बिना मास्क के बाहर मत जाओ, जहाँ भी जाते हो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, रेगुलर हैंड वॉश करो, अपने बॉडी का अच्छे से केयर करो, ठीक है, अच्छे से केयर रखो, बिना मतलब के बाहर मत घूमो, ठीक है, बाहर का खाना ज़्यादा मत खाओ और अपने पेरेंट्स का एडवाइस मान के चलो। ओके थैंक यू फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब,
हमारे YouTube के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, उसके बाद जितना हो सके उतना हम लोगों को सपोर्ट करो ताकि हम लोग और भी एक अच्छे तरह से आपको पढ़ा सकें। लव यू बेटा, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, चलो बाय।